नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। लोहरदगा जिले में गर्मी ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े में तेज धूप ने जीवन को बेहाल कर दिया है। तेज धूप की वजह से चेहरा झुलसने लगा है। दिन भर गर्म हवा चल रही है। दोपहर 12 बजे स्कूल छुट्टी होने के बाद घर लौटते लौटते बच्चे बेहाल हो जा रहे हैं। छात्रों को राहत नहीं मिल पा रहा है। स्कूल के बंद कमरों की गर्मी अलग से उन्हें परेशान कर रही है। ज्यादातर स्कूलों में पंखा की सुविधा भी नहीं है। ऐसे में हालात बेहद खराब हो चुकी है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सड़क पर इन लोगों के लिए उत्पन्न हो गई है गर्मी से बचने के लिए ढूंढ रहे हैं। आपदा प्रबंधन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी दिवाकर कुमार ने बताया कि गर्मी से बचाव को लेकर उपाय बताए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करने, गर्मी में घर से बाहर नहीं निकलने और छोटे बच्चों को सीधे धूप के संपर्क में नहीं आने से बचने को लेकर भी सलाह दी जा रही है। किस तरह से निर्देश दिए जाएंगे बच्चों को या फिर आम लोगों को? उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में एवं अपर समाहर्ता के कुशल देखरेख में गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी जारी किया गया है। उस एडवाइजरी को विद्यालय स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अंचल स्तर पर सभी सरकारी विद्यालयों में प्रकाशित होने के लिए दे दिया गया है और उसके अनुसार लोगों को अपना बिहेवियर करना है ताकि गर्मी से उनका बचाव किया जा सके। किस तरह से प्रकाशन किया जा रहा है? सभी दैनिक समाचार पत्रों में, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सभी प्रिंट मीडिया को खबर कर दिया गया है। साथ ही जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को और जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को जिला के वेबसाइट पर उसको अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही लू को देखते हुए प्रखंडों में, अंचलों में, सरकारी कार्यालयों में, विद्यालयों में आग से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल कार्यक्रम को अग्निशमन विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, जिसकी अनुमति उपायुक्त महोदय द्वारा एवं अपर समाहर्ता द्वारा प्राप्त। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।